am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. हेलो मेरे दोस्तों, कमला हैरिस ने इलेक्शन का कैंपेन करते समय कहा था कि वो यूएसए में कैपिटल गेन्स को 44% तक कर देंगी, और यही नहीं, जो अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन है उस पर 25% का टैक्स होगा। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, $10,000 इन्वेस्ट किए जो बढ़कर एक साल बाद मान लो $12,000 हो गए, विच मीन्स की $2,000 का प्रॉफिट। अब इस $2,000 पर या तो 44% यानी $880 का टैक्स भर दो अगर प्रॉफिट बुक किया है तो, लेकिन अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तब भी $500 का टैक्स भरो, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। लेकिन अगले बरस अगर ये $10,000 की वैल्यू $8,000 हो गई तो, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, तब क्या ऐसी बकवास करके अमेरिका के इलेक्शन रिजल्ट्स का नतीजा तो आपके सामने ही है। अब आप सोचोगे कि मैं यूएसए की बात क्यों कर रहा हूं, लेकिन इसका इंडिया से कुछ तो लेना देना है। जैसा कि आपने इस वीडियो के शुरुआत में खुद फाइनेंस मिनिस्टर मैडम जी से सुना, आप सबको एक नया टैक्स लॉ मिलने वाला है। इनकम टैक्स एक्ट को खत्म करके एक नया लॉ आ रहा है जिसका नाम होगा डायरेक्ट टैक्स कोड। वैसे तो मैं वीडियो के एंड में कहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन आज मैं शुरुआत में ही कह रहा हूँ कि हो सके तो ज्यादा लोगों को अवेयर कीजिए, क्योंकि पब्लिक को ही कुछ करना होगा अब, वरना देना पड़ेगा 35% तक का लगान कैपिटल गेन्स पर, जो फिलहाल 12.5% है लॉन्ग टर्म में और 20% है शॉर्ट टर्म में। फाइनेंस मिनिस्टर जी को शायद कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड जो आने वाला है वो बहुत ईजी होगा, समझने में आसान होगा, लेकिन सच ये है कि आपको इस वीडियो में ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो हैरान कर देंगे। तो पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगले साल जब डीटीसी यानी डायरेक्ट टैक्स कोड का अनाउंसमेंट हो तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। सो लेट्स बिगिन विद इंडिया करंट इनकम टैक्स एक्ट। इंडिया का जो करंट टैक्स एक्ट काफी पुराना है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, चेंजेस भी आए हैं, और इसीलिए टैक्स को और ज्यादा यूनिफॉर्म या सिंप्लीफाई करने के लिए 2009 में पहली बार डायरेक्ट टैक्स कोड का ड्राफ्ट बनाया गया था और 2010 में पार्लियामेंट में डिस्कस भी हुआ था। लेकिन भाई गवर्नमेंट को तो पहले जीएसटी लाना था, और 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट भी किया गया। अब जीएसटी सक्सेस है या फेलियर, ये डिस्कशन इस वीडियो के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इस बार के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि डीटीसी को फाइनली 2025 के बजट में इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब मेरे पास ना कुछ 10-15 पॉइंट्स है जिन्हें एक एक करके सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे कि डीटीसी में क्या क्या हो सकता है और इसका इंपैक्ट एक रिटेल इन्वेस्टर पर यानी मुझ पर और आप पर क्या होने वाला है। इसका रिसर्च करते समय जब मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े या वीडियोस देखे तो मुझे सही में देश के मिडिल क्लास की यानी मेरी और आपकी चिंता होने लगी। क्यों, चलिए समझाता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। जो लोग हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक वेरी क्विक एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं हूँ भावन, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। आप ना द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग .com पर विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। सो सबसे पहले LIC लेते समय भाई साहब बोला जाता है कि मैच्योरिटी के समय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अब अगर डीटीसी आ गया जो कि अब तक आया नहीं है, लेकिन जैसा कि मीडिया में कहा जा रहा है अगर आपको 50 लाख 1 करोड़ या 5 करोड़ मिलता है तो इस पर फ्लैट 5% का टैक्स देना होगा। इंडिया में तो आज भी LIC ही चलता है ना, विच मीन्स कि यहाँ भी खून चूसा जा सकता है शायद। अब दूसरा पॉइंट सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, अब तक हमारा हाईएस्ट टैक्स स्लैब 30% का है, लेकिन अब
सरचार्ज को हटाकर टैक्स रेट को 35% तक लेके जाने की बात हो रही है, विच मीन्स कि अगर आप हाई इनकम ग्रुप में हैं तो और ज्यादा का टैक्स देना पड़ेगा और हर जगह बस टैक्स इंक्रीज ही इंक्रीज होगा। ऐसा माना जा रहा है कि रिटेल या कॉमन मैन के लिए कहीं पर भी टैक्स की राहत नहीं होगी और हर जगह बस टैक्स इंक्रीज होगा। थर्ड पॉइंट, आपको ना हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या कहीं और भी जो डिडक्शंस मिलते थे उन्हें भी हटा दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपीज है जिनकी उम्र 60 ईयर्स से नीचे की है और 60 ईयर्स से ज्यादा 50,000 रुपीज की मैक्सिमम लिमिट है। तो DTC के अंदर आपको फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, मतलब डिडक्शंस खत्म। फोर्थ पॉइंट है कैपिटल गेन्स पर, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इक्विटी इन्वेस्टर्स पर आ सकता है और मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता है तो मार्केट का रिएक्शन क्या होगा किसी को नहीं पता। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन को अब ना नॉर्मल इनकम की तरह टैक्स किया जाएगा, ऐसा हो सकता है। अगर ये होता है तो शेयर मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए STT को रिमूव करने की भी बात चल रही है। सो देखना होगा कि ये चेंजेस कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के लिए सेम टैक्स रेट का प्लान है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है डायरेक्ट टैक्स कोड में। इससे फॉरेन कंपनीज का इनफ्लो बढ़ेगा। करंट में डोमेस्टिक कंपनीज पे मैक्सिमम 25% तक का टैक्स लगता है, वहीं फॉरेन कंपनीज पे ये रेट 40% तक जाता है, लेकिन टैक्स रेट रिड्यूस होने से फॉरेन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन टैक्स एक्ट 1961 के तहत जब भी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं तो दो टाइम पीरियड होता है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। इस कॉन्सेप्ट को हटा के अब केवल फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। अक्सर ये असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर का जो कॉन्सेप्ट है लोगों को कंफ्यूज करता है। सो DTC के बाद केवल फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा CMA यानी कॉस्ट अकाउंटेंट और CS भी कंपनी ऑडिट कर पाएंगे। इतना कुछ बदलने वाला है एक आम इंसान यानी मेरे और आपके लिए, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाला डोनेशन, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को जितना डोनेशन मिले उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बस आम आदमी को टैक्स देना है। अब इस नेक्स्ट पॉइंट को सुनकर शायद आपको थोड़ा धक्का लगे, लेकिन ऑलमोस्ट हर तरीके की इनकम पर, जी हाँ हर तरीके की इनकम पर TDS दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या फिर TCS टैक्स कलेक्शन एट सोर्स एप्लीकेबल हो जाएगा। डिपेंड करता है किस चीज पर क्या होगा। अब ना काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि DTC नहीं आएगा, लेकिन GST के लिए भी यही बोला था लोगों ने, और इस बार तो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम खुद कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कोड इम्प्लीमेंट होगा। विदिन 6 months वी विल हैव द टैक्स कोड और द इनकम टैक्स एक्ट। अब डायरेक्ट टैक्स कोड का इम्प्लीमेंटेशन सरकार कैसे करने वाली है, इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन भाई अगर सरकार ने ठान लिया तो कैसे भी इम्प्लीमेंट कर देंगे। पर्सनली मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि क्या DTC चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम खत्म कर देंगे। अगर इतना आसान बना रहे हैं क्या CA इररिलेवेंट हो जाएंगे, या DTC CS के लिए और टैक्स फाइलिंग करने वालों का हेडेक बढ़ा देगा। ये सारा कुछ तो DTC इम्प्लीमेंट होने के बाद ही चलेगा। इसके अराउंड रूमर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन तैयार हो जाइए, आने वाला है DTC 1st February 2025 को। गवर्नमेंट को आपके प्रॉफिट और इनकम में तो हिस्सा चाहिए, लेकिन लॉस में या इनकम लॉस पर कुछ जिम्मेदारी नहीं लेनी। अब इस वीडियो को ना यहीं कट शॉर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो इस वीडियो से तो लाइक करके कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिख दीजिएगा। ऐसा करने से मेरी भी थोड़ी सी हेल्प होगी और ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा और इसकी अवेयरनेस जरूर है। आप ना इस बॉक्स पर क्लिक करके चैनल पर अपलोड हुए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखिए और कुछ सीखने मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।